पूर्व पुलिस अधिकारी शैलेंद्र सिंह ने एक बयान दिया है कि उस समय जब तकिया पर हमला हुआ तो योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर एक तरफा जो है पथराव हो रहा था, हिंसा की कार्यवाहियां हो रही थी और उसी समय जो है उनकी लाल रंग की एसयूवी पर बम भी फेंका गया था। वो तो समय रहते जो है योगी आदित्यनाथ जी की कार को बदल दिया गया था, वरना उस दिन बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। बस उसी दिन योगी आदित्यनाथ ने कसम खा ली थी। एक बाहुबली आतंक का पर्याय, माफिया का सरताज, अंततः अपनी नियति को प्राप्त हुआ, लेकिन मुख्तार अंसारी की मौत अपने पीछे काफी सवाल छोड़ करके चली गई है। मुख्तार अंसारी की मौत कैसे हुई? क्या ये एक नेचुरल डेथ है या ये एक हत्या है? डॉक्टरों के द्वारा किए गए पोस्टमार्टम के अनुसार मुख्तार अंसारी की मौत कार्डियक अरेस्ट से हुई थी, यानी उनको हार्ट अटैक आया, लेकिन मुख्तार के परिवार का ये कहना है कि उन्हें जहर देकर के मारा गया। मुख्तार के बड़े बेटे अब्बास अंसारी ने तो सरकार और सरकारी मशीनरी तक पर आरोप लगा दिया है कि उनकी के पिता की जो हत्या है उसमें सरकार और सरकारी मशीनरी दोनों ही लिप्त है। हालांकि अब्बास अंसारी की आरोप कहीं से भी प्रमाणित होते नहीं दिख रहे हैं। ये कुंठाग्रस्त जो मन है उसके आरोप ही ज्यादा सिद्ध होते हैं। हालांकि इन आरोपों के सिद्ध होने में ना तो कोई तथ्य है, ना ही कोई प्रमाण है और ना ही कोई साक्ष्य है। फिर आखिर क्या वजह है कि मुख्तार अंसारी का परिवार और एक बहुत बड़ा तबका जो है मुख्तार अंसारी की मौत के पीछे एक कॉन्स्पिरेसी का जो है अंदाजा लगा रहा है? उन्हें ऐसा लग रहा है कि दरअसल मुख्तार अंसारी की मौत एक हत्या है, एक नेचुरल डेथ नहीं है। और इस जो थ्योरी है इसके पीछे एक बहुत ही तगड़ा इतिहास है, योगी आदित्यनाथ और मुख्तार अंसारी की अदावत का। लेकिन मुख्तार अंसारी की मौत को जानने से पहले हमें जो है मुख्तार अंसारी के हाई प्रोफाइल उन अपराधों को एक बार देखना पड़ेगा, तभी हम लोग कनेक्ट कर पाए कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है इस थ्योरी में जो कह रहे हैं परिवार वाले जहर देकर के मारा गया है। पहले उसके हाई प्रोफाइल जो क्राइम्स हैं उन पर एक नजर डाल लेते हैं। तो मुख्तार अंसारी पर 60 केस दर्ज थे, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा चर्चित केस जो था वो था बीजेपी के विधायक कृष्णानंद राय की सरेआम हत्या। और ये हत्या करने के पीछे वजह अगर आप जानेंगे तो अपना माथा पीट लेंगे यार। इसकी वजह सिर्फ इतनी सी थी कि मुहम्मदाबाद से उनका जो बड़ा भाई था अफजाल अंसारी वो लगातार चुनाव जीतता आ रहा था, लेकिन कृष्णानंद ने चुनाव में उन्हें वहां से हराया था और इसी चीज को मुख्तार अंसारी ने पर्सनली ले लिया और वहीं से जो वो है कृष्णानंद राय की हत्या करने की योजना बना करके बैठ गया था। इतनी सी बात पर 29 नवंबर 2005 को कृष्णानंद राय को जो है करीमुद्दीन के सैनानी गांव में एक क्रिकेट मैच का उद्घाटन करने जाना था, वहीं पर जो है मुख्तार अंसारी के हत्यारे घात लगा करके बैठे थे, वहीं पर उन्होंने जो है उनकी गाड़ी को घेर करके अंधाधुंध फायरिंग करी। AK-47 से 400 राउंड गोलियां चली और उस गोलीबारी का नतीजा ये निकला कि जो कार में सवार थे कृष्णानंद राय उनकी तो मौत हुई ही, लेकिन जो और 6 लोग थे उनकी भी हत्या हो गई थी। केवल कृष्णानंद राय के शरीर से 67 बुलेट को निकाला गया था। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस बेदर्दी से उनकी हत्या की गई थी। लेकिन हत्या के बाद जो है कृष्णानंद राय की चुटिया भी काट ली गई थी, क्योंकि वो चुटिया रखते थे। तो मारने के बाद उनका अपमान करना भी एक
बहुत बड़ा जो है उद्देश्य था उनकी हत्या की। अब बारी आती है योगी आदित्यनाथ के साथ उनकी अदावत। आखिर कब शुरू हुई है अदावत, आइए डिटेल में जानते हैं। योगी आदित्यनाथ और मुख्तार अंसारी के बीच अदावत की शुरुआत होती है 2005 के मऊ दंगों के दौरान। तो उन दंगों के दौरान कर्फ्यू लगने के बावजूद भी मुख्तार अंसारी खुली जीप में घूमता था और उस पर दंगा भड़काने का भी आरोप लगा था। उस वक्त योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से सांसद हुआ करते थे और उन्होंने 2006 में मुख्तार अंसारी को चुनौती देते हुए कहा था कि वो मऊ दंगों के पीड़ितों को न्याय दिला करके रहेंगे। उस समय उत्तर प्रदेश में ना तो बीजेपी की सरकार ही थी और ना ही बीजेपी की इतनी पैठ ही थी। तो जब योगी आदित्यनाथ मऊ में घुसने की कोशिश करते हैं तो मऊ में उन्हें घुसने ही नहीं दिया जाता और दोहरी घाट से ही उन्हें वापस लौटा दिया जाता है। इस घटना के 2 साल बाद योगी आदित्यनाथ ने मुख्तार अंसारी को चुनौती दी थी कि वो हिंदू युवा वाहिनी के साथ एक रैली निकालेंगे आजमगढ़ में आतंकवाद के अगेंस्ट। 7 दिसंबर 2008 की तारीख तय होती है रैली के लिए और जगह चुनी जाती है डीएवी कॉलेज का मैदान। योगी आदित्यनाथ 40 गाड़ियों के काफिले में रवाना होते हैं और वो लाल रंग की एसयूवी कार में बैठे हुए थे। तभी यहाँ के तकिया इलाके में योगी आदित्यनाथ की गाड़ी पर अचानक से पथराव शुरू हो जाता है, हवा में फायरिंग शुरू हो गई। ऐसे में जवाबी कार्यवाही में योगी आदित्यनाथ के गनर ने भी जो है फायर शुरू कर दिया। इसके बाद तो भाई साहब जमकर के बवाल हुआ था। ये हमला पूरी तरह से सुनियोजित था और हमले का एकमात्र उद्देश्य था योगी आदित्यनाथ की हत्या करना। उस समय योगी आदित्यनाथ ने जैसे तैसे दूसरी गाड़ी में बैठ करके अपनी जान बचाई। पूर्व पुलिस अधिकारी शैलेंद्र सिंह ने एक बयान दिया है कि उस समय जब तकिया पर हमला हुआ तो योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर एक तरफा जो है पथराव हो रहा था, हिंसा की कार्यवाहियां हो रही थी और उसी समय जो है उनकी लाल रंग की एसयूवी पर बम भी फेंका गया था। वो तो समय रहते जो है योगी आदित्यनाथ जी की कार को बदल दिया गया था, वरना उस दिन बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। बस उसी दिन योगी आदित्यनाथ ने कसम खा ली थी कि जिस दिन बीजेपी की सत्ता आई उसी दिन हर एक माफिया का हिसाब होगा और हर एक माफिया अपनी नियति यानी मिट्टी में मिल करके रहेगा और जो उन्होंने कहा था करके भी दिखाया। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। यूपी के अंदर माफिया मिट्टी में मिल चुका है और जो थोड़ा बहुत बचा है वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। इस अदावत की हिस्ट्री को देख कर ही जो है ये आरोप लगा है कि सरकारी मशीनरी और प्रशासन जो है इस हत्या के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं, लेकिन इसका कोई साक्ष्य, इसका कोई तथ्य, इसका कोई प्रमाण है ही नहीं। तो मात्र ये एक चोरी है जो परिवार वालों ने दी। हालांकि जो आरोप लगे हैं सरकारी तंत्र पर या जेल प्रशासन के ऊपर वो बिल्कुल बेबुनियाद है, क्योंकि भाई साहब जिस सेल में मुख्तार अंसारी रहा करता था वहां पर 50 से ज्यादा कैमरों से निगरानी होती थी और इसकी लाइव फीडिंग लखनऊ तक जाती थी। और जो रही बात खाने में जहर देने की, तो जो खाना और कैदियों को दिया जाता था, 500 से ज्यादा कैदी है, वही खाना मुख्तार अंसारी को खिलाया जाता था, लेकिन मुख्तार को खिलाने से पहले भी उस खाने को चेक किया जाता था, चखा जाता था पुलिस अधिकारियों के द्वारा। तो जहर देने की बात तो वहीं पर सिरे से ही खारिज हो जाती है।
लेकिन आरोप लगने के बाद, हत्या की आशंका के आरोप लगने के बाद एक न्यायिक जांच समिति का गठन किया है जो अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। अब वो जब अपनी रिपोर्ट पेश करेगी वो तब करेगी, लेकिन जो मौजूदा साक्ष्य है, तथ्य है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, जो हालात है और जो हिस्ट्री रही है इस तरह के आरोप लगाते रहने की, उससे तो यही प्रमाणित है, सिद्ध है कि उनकी जो डेथ है, मुख्तार अंसारी की जो डेथ है वो नेचुरल थी और कार्डियक अरेस्ट की वजह से ही हुई थी। क्योंकि अगर कोई और फैक्टर होता तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वो सामने आ ही जाता, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन अगर परिवार को शक है तो जांच कमेटी बैठी है, न्यायिक अपनी रिपोर्ट पेश कर ही देगी। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या मुख्तार अंसारी की मौत स्वाभाविक नेचुरल डेथ है या सच में मुख्तार अंसारी को जहर देके मारा गया है? आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मैं आपसे फिर मिलूंगा मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।